डेकोरेटर आप लोगों का लेकर आए हुए हैं। आप लोगों को यहाँ पर पता होगा पुराने टाइपर को पुराने फ्लेवर को, यहाँ पर सेकंड हैंड जनरेटर, बड़ा बड़ा जनरेटर 20 KV, 15 KV, 40 KV, 50 KV, 200 KV तक का जनरेटर आप लोगों को सेकंड हैंड में यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारा जनरेटर मिलने वाला है, कौन कौन सा केवी मिलने वाला है और प्राइस क्या आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों, सारा कुछ आपको इस वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद सकलेर अंसारी हुआ। अच्छा, आपके यहाँ कितना कितना केवी का जनरेटर मिल जाता है? मेरे यहाँ 15 KV से लेकर के 125 KV तक जनरेटर मिल जाएगा। अच्छा, एक बार एड्रेस प्रॉपर बताइएगा। एड्रेस धनबाद स्टेशन से 5 किलोमीटर। अच्छा, झरिया रोड में? झरिया रोड में, बस तो स्टेशन पे उतरिए, झरिया के लिए गाड़ी बैठ जाइए, 24 घंटा गाड़ी अवेलेबल है, दिन रात जब भी आइए और झरिया के लिए बोलिए, झरिया से 1 किलोमीटर पहले ही आपको यहाँ पे उतर जाना है। रोड किनारे ही मेरा, देख सकते हैं, रोड किनारे ही मेरा जनरेटर। तो जनरेटर सब इतना गंदा क्यों है भैया आपका? जनरेटर पीछे माइंस है, प्लस रोड के बगल में ही है, इसीलिए ये देखिए अभी 1 हफ्ता पहले रंग किया हुआ जी, 1 हफ्ता पहले है ना जी, इसका हालत देखिए। ये कितना केवी का है? ये 62 KV का है। तो दोस्तों 62 KV का आप लोगों को जनरेटर मिलने वाला है। प्राइस क्या रखे हैं भैया? इसका प्राइस आपको 2,25,000 रुपया। 2,25,000 रुपये में दोस्तों आप लोगों को ये जनरेटर मिल जाएगा। चारों चक्का नया है ना जी? और वारंटी मिलता है क्या आपके यहाँ? वारंटी नहीं सर। अच्छा, वारंटी नहीं मिलता है ना। अच्छा, फुल लोड पर माइलेज क्या देगा ये निकाल करके? फुल लोड पे माइलेज 5 से 5.5 लीटर। 5 से 5.5 लीटर पर घंटा जी। कौन सा इंजन है भैया ये? टाटा कमिंस में, टाटा कमिंस का आप लोगों को ये इंजन मिल जाएगा दोस्तों। अल्टरनेटर ओरिजिनल है? ओरिजिनल सेट है कमिंस का। अच्छा, स्टम्प फोर्ड अल्टरनेटर 3 फेज। अच्छा, कितना सिलेंडर में है ये? 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर में आप लोगों को दोस्तों ये जनरेटर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये जनरेटर लेना है तो SS इलेक्ट्रिकल आप लोग आ करके ये जनरेटर को खरीद सकते हैं दोस्तों। और इस जनरेटर का विषय में बताइए भैया। ये 40 KVA का है। 40 KVA का जनरेटर आप लोगों को मिल जाएगा विथ ट्रॉली दोस्तों। कितना फेज में ये है? ये भी 3 फेज में। 3 फेज में है दोस्तों, जो कि आप लोगों को रेडी वाटर मिल जाएगा, उसमें भी रेडी वाटर मिल जाएगा ना, उसमें 62 KVA में आपको रेडिएटर और इंटरकूलर टर्बो सब रहेगा। अच्छा, इसका प्राइस बताइएगा। 1,90,000 रुपये में दोस्तों आप लोगों को ये जनरेटर मिल जाएगा। तो इससे हम लोग आगे आते हैं और इस जनरेटर के विषय में जाते हैं। ये जनरेटर काफी छोटा है भैया, ये 7 KVA का है, पर्सनल यूज के। अच्छा, पर्सनल यूज के लिए ना। कौन सा कंपनी का मिल जाएगा ये? कैनन कंपनी। अच्छा, कैनन कंपनी का है ना। टंकी इसमें कितना लीटर मिल जाएगा? 10 लीटर। तो दोस्तों आप लोगों को 10 लीटर का यहाँ पर टंकी मिलने वाला। अल्टरनेटर ओरिजिनल है, ओरिजिनल 7.5 KV कॉपर में, 7.5 KV में है ना, जो कि रेडी वाटर मिलने वाला है दोस्तों। इसका प्राइस बताइएगा भैया। इसका प्राइस 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में दोस्तों ये जनरेटर को आप अपना बना सकते हैं। अगर आप लोगों को जनरेटर खरीदना है तो दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो इससे हम लोग आगे आते हैं और ये जनरेटर के विषय में जानते हैं। ये 40 KVA का 3 फेज में, ओरिजिनल कमिंस में है। अच्छा, 3 फेज में है ना जी। 40 KVA का है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये कौन सा कंपनी? अच्छा, ये भी टाटा कंपनी कमिंस है ना जी। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे टाटा का आप लोगों को वहां पर लोगो मिल जाएगा। अल्टरनेटर ओरिजिनल है जी जी। ये सेट आपका ओरिजिनल है? अच्छा, पूरा सेट ओरिजिनल है जी, जी। और इसमें टंकी कितना लीटर देगा? टंकी इसमें तो गैलन से चलेगा ये। अच्छा, गैलन से रखिए। टंकी में क्या होता है कि अच्छा, इसमें गैलन सिस्टम से आप लोगों को तेल का यहाँ पर खपत का पूर्ति करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे चारों चक्का आप लोगों को एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों को नया चक्का आप लोगों को मिलने वाला है, रंग पेंट करके उस तरह का आपको मिलेगा। तो पेंट करके दीजिएगा भैया। तो दोस्तों आप लोगों को अगर कमेंट होगा कि हम लोगों को नया बना के दीजिए, पेंट करके दीजिए, तो आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भैया ये कौन सा जनरेटर मिल जाएगा? ये भी टाटा कमिंस में है, ओरिजिनल से 3 फेज में। 3 फेज में आप लोगों को दोस्तों टाटा कमिंस का मिल जाएगा। ये भी गैलन सिस्टम से चलने वाला जी, है जी, फुली कॉपर में है ना जी जी। ये कॉपर में ही आता है। चारों चक्का नया दे दीजिएगा, बॉक्स का सेट है, ओरिजिनल ही आएगा सब। चारों चक्का नया दीजिएगा, पेंट करके भी दीजिएगा, ओके करके देंगे। अच्छा, प्राइस बताइएगा। प्राइस आपको
2,00,000 रुपया पड़ेगा। 2,00,000 रुपये में दोस्तों आप लोगों को जनरेटर मिल जाएगा, 50 KVA का। और ये कितना KVA था? ये 40 KVA का। 40 KVA का 1,90,000 में दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। इससे हम लोग आगे आते हैं और इसके विषय में जानते हैं। ये 15 KVA का, 15 KVA का है ना, एयर कूल्ड में। अच्छा, एयर कूल्ड में है ना, एयर कूल्ड में है। इसमें रेडिएटर का कोई झमेला नहीं है, आप लोगों को देख पा रहे हैं दोस्तों। किलोस्कर में आप लोगों को मिलने वाला है, सिंगल फेज मिलने वाला है दोस्तों। इसमें टंकी कितना लीटर दे दीजिएगा भैया? 20 लीटर का टंकी मिल जाएगा दोस्तों, फुल्ली कॉपर में मिल जाएगा ना भैया? टंकी ये आपका चदरा भैया, अल्टरनेटर आपका कॉपर में, अल्टरनेटर फुल्ली कॉपर, फुल्ली गारंटी, फुल्ली गारंटी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये जनरेटर लेना है तो आप लोग ये जनरेटर को SS इलेक्ट्रिकल आप लोग आ करके ये जनरेटर को अपना बना सकते हैं। इसका प्राइस एक बार फिर से बता दीजिएगा। ये प्राइस आपको आपको पड़ेगा 1,05,000 रुपया कम्प्लीट करके। अच्छा, कम्प्लीट करके। और भी दिखा देंगे वहाँ पे। 1,05,000 रुपये में दे दीजिएगा एकदम, आपको पेंट वेंट करके मिलेगा ये। अच्छा, चक्का वगैरह सारा नया लगा लगा देंगे। तो भैया ये सब का विषय में बताइएगा, ये कौन सा आइटम है? ये कोई सा भी लीजिए, सब 15 KVA का है। अल्टरनेटर इंजन कंप्लीट है ना? कंप्लीट है ये। इस कंडीशन में लीजिएगा तो आपको 75,000 रुपया पड़ेगा। इसमें मतलब चक्का वगैरह फिट करना पड़ेगा ना? हाँ, लेने के बाद हाँ, वो आपको करना पड़ेगा। मोली 75,000 रुपया लेंगे, मात्र 75,000 रुपया। स्टार्ट करके करंट चेक करके आपको दिखा देंगे। अच्छा, कितना KVA में है ये सब? सब 15 KVA में, 15 KVA में है दोस्तों। 75,000 रुपया ना? 75,000 रुपया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सब लेना है जनरेटर, तो आप लोग यहां आकर के ये जनरेटर आप लोग खरीद सकते हैं दोस्तों, मात्र 75,000। तो भैया ये कितना KVA का है जनरेटर? ये 45 KVA का है। 45 KVA का है ना जी। प्राइस? प्राइस आपको 1,95,000 रुपये, 1,95,000 रुपये में दे दीजिएगा जी। और टंकी? गैलन सिस्टम है ना, ये भी 45 KVA है जी। दोनों कमिंस का है और प्राइस दोनों का सेम है। सेम। तो दोस्तों अगर आप लोगों को 45 KVA का आप लोगों को जनरेटर चाहिए तो आप लोग यहां आकर के SS इलेक्ट्रिकल एंड डेकोरेटर में आके परचेज कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को धनबाद झरिया में आप लोगों को ये मिलने वाला है दोस्तों। तो भैया कितना KVA का जनरेटर है ये? किर्लोस्कर 4R 40 KVA का। अच्छा, 40 KVA का है ना जी, 3 फेज। इसमें भी गैलन सिस्टम ना? जी जी जी, गैलन सिस्टम से इसमें आप लोगों को तेल का खपत करना पड़ेगा दोस्तों। प्राइस क्या रखे हैं इसका? 1,90,000। 1,90,000 रुपये में दोस्तों आप लोगों को ये मिल जाएगा। पेंट करके दीजिएगा ना? करके, सब कुछ ओके करके, मतलब कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाइड कर दीजिएगा ना जी। और इसके विषय में बताइएगा कौन सा जनरेटर है? 40 KVA का ये है। 40 KVA का आप लोगों को दोस्तों मिलने वाला है। आप लोग देख पा रहे होंगे टाटा कमिंस में ये भी है ना, ओरिजिनल सब टाटा कमिंस से मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राइस बताइएगा। प्राइस इसका भी कंप्लीट करके 1,90,000। 1,90,000 ना जी। कितना के भी है? 40 KVA। 40 KVA 1,90,000। और इसके विषय में बताइएगा, ये भी 40 KVA। ये कौन सा कंपनी है? ये भी टाटा कमिंस का, टाटा कमिंस से मिलने वाला है दोस्तों। 40 KVA इसका प्राइस बताइएगा। 1,90,000 रुपये। 1,00,000 मतलब 40 KVA कोई भी खरीदने से 1,90,000। सब कंसेशन करके। अच्छा, जो रेट बताते हैं वो फिक्स प्राइस रहता है कि कुछ आकर के यहाँ कुछ कम हो जाता है? आगे पीछे होगा, माने ऑन टेबल दुकान आने पर कुछ ना कुछ कम जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल के थ्रू से कोई आते हैं तो और कुछ डिस्काउंट कर दीजिएगा, कहने का जरूरत नहीं। खाली चैनल को सब्सक्राइब दिखाना है और वीडियो को लाइक दिखाना है दोस्तों। तो इसके विषय में बताइएगा ये कौन सा जनरेटर है? ये भी 40 KVA का है। अच्छा, ये भी 40 KVA का है, टाटा कमिंस में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके विषय में बताइएगा, ये 20 KVA का। कितना? 20 KVA का। 20 KVA का आप लोगों को महिंद्रा में मिलने वाला है ना? महिंद्रा में आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें टंकी मिल जाएगा ना भैया? जी, 20 लीटर का। 20 लीटर का टंकी मिलने वाला है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना फेज में ये है? ये सिंगल फेज में है। सिंगल फेज में है। 20 KVA का आप लोगों को जनरेटर मिलने वाला है, रेडी वाटर मिलने वाला है। प्राइस बताइएगा भैया। 1,10,000 में रिकंडीशन करके पेंट वगैरह सब कम्प्लीट। 1,10,000 में पेंट करके दीजिएगा, मतलब लेने के बाद कोई झंझट नहीं है ना? झंझट नहीं है, सब काम करके। सो दोस्तों अगर आप लोगों को जनरेटर लेना है 20 KVA 15 KVA 40 KVA 35 KVA तो आप लोग SS इलेक्ट्रिकल एंड डेकोरेटर आ करके यहां पर खरीद सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारा जनरेटर मिलने वाला है। तो ये जनरेटर का विषय में बताइएगा। ये 20 KVA का सिंगल फेज में है। अच्छा, महिंद्रा में।
अच्छा महिंद्रा में मिल जाएगा, 20 KVA का मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि रेडी वाटर में मिलने वाला है, फुल्ली कोपर में है ना जी जी। प्राइस बताइएगा। प्राइस 1,10,000 रुपये। 1,10,000 में दोस्तों आप लोगों को ये जनरेटर मिल जाएगा। तो इसके आगे जाते हैं और इसके विषय में बताइएगा। ये 25 KVA का एयर कूल्ड में है। एयर कूल्ड में है ना जी, थ्री फेज में। थ्री फेज में है ना जी, थ्री फेज में। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें भी टंकी कितना लीटर मिल जाएगा? 20 लीटर का फुल्ली कोपर। फुल्ली आपको फुल्ली कोपर है गारंटी। अच्छा कितना फेज? ये आएगा आपको थ्री फेज में। थ्री फेज में मिल जाएगा ना। प्राइस बताइएगा एक बार फिर से। प्राइस आपको पड़ेगा इसका 1,50,000। 1,50,000 रुपये में दोस्तों आप लोगों को ये मिल जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भैया इसके विषय में बताइएगा कौन सा जनरेटर है? ये आयसर का है। अच्छा आयसर का है ना जी, थ्री फेज में। थ्री फेज में है। कितना KVA में है ये? 25 KVA। 25 KVA में है ना जी। इसमें फिर टंकी सिस्टम से तेल का खपत करना पड़ेगा, पूर्ति करना पड़ेगा? टंकी लगेगा इसमें। अच्छा टंकी लग जाएगा जी जी। टंकी लग जाएगा ना। प्राइस एक बार फिर से बताइएगा। 1,50,000। 1,50,000 रुपए में आईएसआर का मिल जाएगा दोस्तों। पेंटिंग करके चक्का वगैरह सारा लगा कर देना। चक्का दोस्तों चक्का लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे हम लोग आगे आते हैं और इसके विषय में जानते हैं। ये 15 KVA का। 15 KVA है ना जी, किर्लोस्कर। प्राइस बताइएगा। प्राइस प्राइस आपका पड़ेगा 1,05,000। 1,05,000 रुपये में दोस्तों आप लोगों को ये मिल जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। कितना KVA एक बार फिर से बताइएगा? ये 15 KVA का है, 20 लीटर टंकी के साथ। 15 KVA 20 लीटर टंकी के साथ में कितना बोले? 1,05,000। 1,05,000 रुपये में दोस्तों आप लोगों को कम्प्लीट ये जनरेटर मिल जाएगा, पेंट करके आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। तो इससे आगे आते हैं और इसके विषय में जानते हैं। ये 82 KVA का। अच्छा 82 KVA का है, पेंट करके दीजिएगा ना, सब कंप्लीट करके। चक्का वगैरह तो लगा हुआ है जी जी। प्राइस बताइएगा। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 2,20,000 रुपये। 2,20,000। ये 62 से भी कम पड़ेगा। अच्छा 62 से भी रेट में ही कम पड़ेगा, 2,20 पड़ेगा। कितना सिलेंडर में है ये? 6 सिलेंडर में। 6 सिलेंडर में है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। टाटा कमिंस में है ना जी। इसमें तेल का खपत कैसे इसमें पूरा किया जाएगा? 10 लीटर से 12 लीटर फुल लोड। अच्छा गैलन सिस्टम है ना जी, गैलन सिस्टम से आप लोगों को पूर्ति करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे।